नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर को एक बड़ा ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश करता है कुनूर तमिलनाडु के पास। क्रैश के इंपैक्ट की वजह से हेलीकॉप्टर आग की लपटों में फंस जाता है। आसपास मौजूद लोकल्स एंड रेस्क्यू वर्कर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं आग बुझाने की एंड हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए लोगों को रेस्क्यू करने की। जल्दी खबर आती है कि हेलीकॉप्टर में एक्चुअली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जनरल बिपिन रावत बैठे थे। दुखद खबर इस वक्त जो आ रही है, वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अमर कहानी युग युग तक गूंजे की तुम्हारी गाथा ए वीर बलिदानी। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी वाइफ के अलावा 12 और लोग बैठे थे। डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और कैप्टन वरुण सिंह। शॉकिंगली इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक सर्वाइवल बचते हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनकी हालत अभी भी काफी क्रिटिकल है। यह हॉस्पिटल में है। पूरे देश के लिए बहुत खौफनाक दिन। जाहिर सी बात है, ऐसे इंसिडेंट के बाद सवाल उठेगा कि आखिर एक्चुअली में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लगी। क्या चाइना का हाथ है इसके पीछे, क्या पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। जितनी ही शॉकिंग एक घटना होती है, इतनी ही ज्यादा गुंजाइश होती है और ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज बनने की, क्योंकि लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। और जहां पर एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है और कुछ इतना बड़ा हुआ है तो लोग अपने मन से उसमें गैप फिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा यूएसए में 9/11 के साथ भी हुआ था। 9/11 पर ढेर सारी कंस्पिरेसी बनती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस क्रैश के पीछे जो डिस्कस किए जा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान शुरू किया था सुनूर से। यह वेलिंगटन जा रहा था। 100 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है ये। इस डिस्टेंस को कवर करने में अराउंड 30 मिनट्स का टाइम लगता है। 20 मिनट टेक ऑफ के बाद एंड 7 मिनट लैंड करने से पहले हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। एयर चीफ मार्शल के अकॉर्डिंग यह बहुत ही मुश्किल है डिटरमाइन करना कि क्या गलत हुआ होगा। इतनी कम फ्लाइट ड्यूरेशन में सबसे पहले जो थ्योरी सुनने को मिली है वो यह थी कि हेलीकॉप्टर सब स्टैंडर्ड होगा। अच्छी क्वालिटी का हेलीकॉप्टर नहीं था, पुराना हेलीकॉप्टर था जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ। तो एक्चुअली में यह एक MI-17 V5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर था जो रशिया में बना हुआ था। हालांकि पास में हमें कुछ केसेस जरूर देखने को मिले हैं MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैशेस के, लेकिन यह ओवरऑल एक मॉडर्न हेलीकॉप्टर है जो इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल कार्गो एंड इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हाई एल्टीट्यूड में यह फ्लाई कर सकता है, कॉम्प्लेक्स वेदर कंडीशन में यह फ्लाई कर सकता है एंड ओवरऑल इसे एक बहुत ही एडवांस एंड सेफ हेलीकॉप्टर माना जाता है। यही रीजन है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रेजिडेंट भी इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रेवल करने के लिए। इस क्रैश से पहले सबसे रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था 2017 में, जब एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में क्रैश कर गया था जिसमें 7 सोल्जर शहीद हुए थे। लेकिन फिर भी इन हेलीकॉप्टर को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड फर्स्ट मिलिट्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। इंडिया के अलावा 50 से ज्यादा देशों की एयरफोर्स इन हेलीकॉप्टर्स का आज के दिन इस्तेमाल करती हैं। तो प्रॉब्लम अगर इक्विपमेंट में नहीं है तो क्रैश क्यों हुआ। दूसरी थ्योरी यहां पर उठी कि शायद पायलट एक्सपीरियंस्ड नहीं होंगे, लेकिन यह थ्योरी भी फिट नहीं बैठती क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जा रहा था विंग कमांडर PS चौहान के द्वारा, जो कि एक कमीशनड ऑफिसर बने थे 2002 में। इनको विंग कमांडर की पोजीशन पर प्रमोट किया गया 2015 में। प्रेजेंटली यह कमांडिंग ऑफिसर थे 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के एयरफोर्स स्टेशन इन कोयंबटूर। तो बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे ये, तो शायद इनएक्सपीरियंस इस क्रैश की वजह नहीं हो सकती। तीसरी थ्योरी जो है वह सबसे प्रोबेबली लगती है, सबसे लाइकली लगती है, बैड वेदर और हिली सराउंडिंग्स। जिस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना था वह करीब 6000 फीट की हाइट पर था, घने जंगलों से और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब आगे की बात समझने के लिए थोड़ी सी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने की टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते वक्त दो तरह के फ्लाइंग रूल्स होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, यानी कि IFR। इसका बेसिकली मतलब है कि हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी जाए इंस्ट्रूमेंट पर रिलाई करके। जो भी मशीनरी हेलीकॉप्टर के अंदर लगी हुई है और जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट दे रहे हैं उसके बेसिस पर हेलीकॉप्टर को उड़ान भरे। ज्यादातर सिविलियन हेलीकॉप्टर की फ्लाइट इस IFR के अंडर ही होती है और यह एक बहुत ही सेफ तरीका है उड़ान भरने का, क्योंकि पायलट अपने ऊपर रिलाई करने की वजह इंस्ट्रूमेंट पर रिलाई करते हैं।